हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ लेटेस्ट फिल्म रिलीज ट्रिपल आर के बारे में। बहुत दिनों से ये फिल्म पोस्टपोन होते हुए आ रही थी, लेकिन आज जाके फाइनली इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया सिनेमा घरों में, जहाँ पर इसकी जो एक्सपीरियंस करने की बात है, बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई गई है। ऐसा राजा मौली की फिल्म है तो एक लेवल अप होगी ही, और इसमें भी राजा मौली की जो है मैजिक जो चलती है और फिल्मों में, इस फिल्म में भी आपको वो मैजिक देखने को मिलने वाली है। फिल्म की हर एक कैटेगरी में, हर एक डिवीजन में एक परफेक्ट तरीके से इस फिल्म को रिप्रेजेंट करते हैं। फिल्म की साउंड इफेक्ट से लेके फिल्म की विजुअल इफेक्ट भी फिल्म को एक लेवल अप बना देती है। फिल्म में सारे एक्टर्स की एक्टिंग कमाल की है, और फिल्म जितने फिल्म में को स्टार्स हैं उनकी भी परफॉर्मेंस कमाल की दी गई है। बता दें कि फिल्म की टोटल ओवरऑल स्टोरी जो है वो इतनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि मेरे हिसाब से आप जब फिल्म देखोगे तो लगेगा कि मैं कोई हॉलीवुड की, कोई एशियन टाइप की फिल्म देख रहा हूँ, जो कि मेरे हिसाब से कमाल के VFX के द्वारा इतनी ज़्यादा कलरफुल से दिखाया गया है कि आपको लगेगा कि शायद मैं किसी स्लाइड पे इमेजेस को देख रहा हूँ उस समय की। और इतनी ज़्यादा कलर का यूज़ किया गया है इस फिल्म में, जो आपको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है और अच्छे तरीके से आँख में उस चीज़ को अट्रैक्शन की तरह से ली जाती है। जैसे कि आपने बाहुबली में भी देखा होगा कि किस तरह से विजुअल इफेक्ट का इस्तेमाल राजा मौली करते हुए अपनी फिल्म में है। फिल्म की कहानी की बात करूँ तो फिल्म की कहानी मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा क्योंकि ये स्पॉयलर हो जाएगा, लेकिन फिल्म की कहानी तो बहुत लोगों ने गैस ही कर लिया होगा कि फिल्म की कहानी हमारे देश की आज़ादी से रिलेटेड है, जहाँ पे हमारे दो वीर योद्धा स्वतंत्रता सेनानी जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, और किस तरह से हमारे देश को आज़ादी दिलाने की जो भागीदारी थी वहाँ पर वही वो साबित करते हैं। किस तरह से दो श्री राम राजू को इस फिल्म में रिप्रेजेंट किया गया, जो कि मेरे हिसाब से कमाल की पेशकश थी। और मेरे हिसाब से जो पुरानी फिल्में देखी होंगी तो वहाँ पर भी श्री राम राजू को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया, और इस फिल्म में भी उनको बहुत ही अच्छा से ट्रिब्यूट दिया गया है। उनकी ब्रेवनेस को दिखाया है कि किस तरह से वो अकेले इतने सारे अंग्रेज सैनिक के सामने अकेले ही खड़े थे, और ये दिखाता है कि हमारे हिंदुस्तान में कितने सारे वीर को जन्म दिया है। और ये फिल्म भी हमारे लिए एक कमाल की पेशकश थी, और हम लोग जब देखने गए फिल्म को, फिल्म अपने आप को अट्रैक्ट करती है, और फिल्म के स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीन आपको पूरी तरह से एंटरटेनमेंट करने के लिए पाबंद है। इस मूवी की बात करूँ तो बैकग्राउंड म्यूजिक ने बहुत ही ज़्यादा इस फिल्म में चार चांद लगा दिया। जहाँ NTRA और रामचरण आते हैं, या फिर विलन की जब एंट्री होती है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा बजता है कि मानो कि आप उस चीज़ को फील कर रहे हो। ये 3D फिल्म में आपको फील कराती है किस तरह से वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा, वहाँ पे किस तरह से ये फाइट और किस तरह से वहाँ का इमोशन भी है, वो सब चीज़ आपको फील कराता है। किस तरह से बताया जाता है कि फिल्म में किसी भी कटड़िया के बच्चे को नहीं उठाना चाहिए, ये आपको याद दिलाएगा किस तरह से वो उसने बदला लिया और किस तरह से। फिल्म की कहानी ओवरऑल पूरी तरह से बेस्ट है, और फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट भी आ जाएगी, और मैं बताता हूँ कि फिल्म बहुत ही अच्छे से इस फिल्म को सक्सेसफुल मिलेगा, और फिल्म बहुत अच्छे पैसे भी कमाएगी। फिल्म की ओवरऑल स्टोरी की बात करूँ तो फिल्म कमाल की है, और आप इस फिल्म को जाके सिनेमाघर में देखो, 3D में जाके देखो, IMAX में जाके देखो, क्योंकि जब इसे बड़े स्क्रीन में देखोगे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये फिल्म बड़े पर्दों के लिए बनी हुई है। जब ऑनलाइन OTT पे आ जाएगी तब जाके देखेंगे तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जब हॉल में जाके देखोगे तो चारों तरफ से आवाज़ आता है, बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स जो वहाँ पे आपको सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा, वो मेरे हिसाब से मोबाइल या फिर PC में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि जाके आप सिनेमा घरों में ही देखो। आपने ये मूवी देख लिया है तो आप बताओ आपको मूवी कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, और मैं कहता हूँ कि जाके आप देखो मूवी को, चाहे आपको 600-800 रुपये लग जाएगा, लेकिन बड़े शहरों में इसकी फ़ीस जो है वो 2000 और 4000 रुपये भी ले रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे 600 रुपये के टिकट का कीमत रखा गया है, तो हमने भाई सस्ते में ही देख लिया, क्योंकि बिहार में उतने ज़्यादा टिकट के दाम होता नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।